जीतू भी है हिमांशु भाई, जीतू भी भाई गणपति बाप्पा आपको भी देखिए भगवान के बारे में विवेचन किया गया। राधा भक्त हरि ज्ञानम ताभ्याम यच समन्विता ताम श्री भागवतीम गाथा वंदे युगल रूपणे। धर्म का प्रचार प्रसार जितना हो, कहते हैं ना, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। कई जन्मों का पुण्य उदित होता है तो धन मिलता है, पुण्य और अधिक होता है तो धन के साथ यश मिलता है। जब महापुण्य होता है तो ईश्वर की कृपा होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है तो किसी गुरु की सानिध्य का समकक्ष योग बनता है। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि जो ईश्वर का अंश हम लोग हैं, मनुष्य के जीवन में कल्याण के निमित्त हमारा आगमन हुआ है, मनुष्य की वेदनाओं को दूर करने के लिए हमारा आगमन हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि अपने माध्यम से, अपने जितने सहयोगी हैं उनके माध्यम से संसार के दुखों को दूर करें, यही हमारी कोशिश है। देखिए दिल्ली में अगर बैठे बैठे मुंबई के लोग आ सकते हैं तो मुंबई की डिमांड पर, अगर हम दिल्ली मुंबई की डिमांड पर अगर मुंबई आए हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग आ सकते हैं। देखिए क्या होता है, प्यासा जो होता है कुएं के पास जाता है, वो कहीं भी हो, लेकिन गुरु का कर्तव्य है, गुरु के माध्यम से बताया गया है कि गुरु कहीं एक जगह पर नहीं बैठना चाहिए, वो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करके मनुष्य के दुखों को दूर करे, ऐसे योग से मनुष्य आ सकता है। आज के बॉलीवुड की नजर आ रहे हैं जी, किस तरह का तालमेल रहेगा बॉलीवुड साहब? देखिएगा कि ये जो ग्रहों में, नौ ग्रहों का पूरा खेल है, नौ ग्रहों के बारे में जो विवेचन किया गया है, और शुक्र की दुनिया, कहते हैं इंद्रलोक किसका किसके माध्यम से प्राप्त होता है, वह शुक्र के माध्यम से प्राप्त होता है। मुझे लगता है कि जो शुक्र का संगम है बॉलीवुड के साथ बहुत तेजी के साथ चलेगा, और उनका उनके भी जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसको दूर करने का प्रयत्न होगा। जो आपकी मेरी उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं हैं, और दिल की गहराई से आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना इतना मूल्यवान समय निकाला, और मेरी दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि वो अपने जीवन में प्रगति करें, अच्छा नाम, अच्छी यश कीर्ति का योग बने। धन्यवाद, जय माता दी। जी क्या जो अभी 29 अगस्त को रिलीज, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इनका जो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जो इनकी फिल्म है सुपर डुपर हिट हो, महारानी जी की कृपा हो, जो इन्होंने मेहनत किया है उनकी मेहनत का फल इनको प्राप्त हो। धन्यवाद। मैं बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ, मेरी फिल्म ट्रिप्टू भानगढ़ है 29 अगस्त को रिलीज हुई है, शोज हाउसफुल जा रहे हैं, सिंगल स्क्रीन्स बहुत डोमिनेट कर रही हैं, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मेरा डेब्यू था, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये मूवी करना, गुरु जी का आशीर्वाद था जैसे, और आज जैसे ये स्टूडियो में ओपनिंग हुई है, साजन जी, संजय जी और सुनील जी ने बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया है, उनकी अपकमिंग मूवीज़ आ रही हैं, सो होपफुली आई एम होपिंग कि उनके साथ भी काम करने का मौका मिलेगा। सबसे पहला तो मेरे को लग रहा कि भाई हीरो लग रहे हो, बेसिकली मेरे जो एरिया है दिल्ली राजस्थान से, राजस्थान बेस्ड ही मूवी है, तो सबका ये कॉम्प्लीमेंट था कि यार किसी से कम नहीं लग रहे हो, हीरो टाइप लग रहे हो, तो मैंने उसको बहुत हम्बली उसको एक्सेप्ट किया। मेरे गाने बहुत हिट हो गए हैं, मंगल रात दीवानी जो हमारी मूवी का टाइटल ट्रैक है, स्लो मोशन है एक गाना जो मैंने गाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सबको अच्छा लग रहा है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। रनिंग वीक में बहुत अच्छा कलेक्शन आ रहा है, सो लेट्स होप आगे और भी अच्छा चले, 3 वीक चले, 4 वीक चले। अगली मैं एक और मूवी कर रहा हूँ स्वामी समर्थ क्रिएशंस के साथ और रॉक एंड रोला फिल्म्स के साथ, तो उसका नाम है मुंडा कुकर का मालदा, और एक और फिल्म है 32 जो मेरी अगले साल रिलीज होने वाली है।
Absolutely, but I mean, I don't think the intention is to do a tax-free film. I don't think we set out to make those kind of films. I think we all sort of look for films that we connect with as an actor. You identify.